वहीं ये देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 7,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है। केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार अब तक पहुंच चुका है। बता दें कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, जिसके बाद लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। 1,49,656 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन अब तक कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 1,35,537 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो 1,25,777 तीर्थ यात्रियों ने अब तक वहां दर्शन किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इस बार चारधाम यात्रा में आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और मात्र 12 दिनों के अंदर चारधाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब वहां पर दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि 7,23,000 से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्री विशाल की बात करें तो 1,39,656 श्रद्धालु वहां दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 1,35,537 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और अगर गंगोत्री धाम की बात कर लेते हैं तो 1,25,777 तीर्थ यात्रियों ने वहां दर्शन किए हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जहां लगातार चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और चारधाम यात्रा ने मात्र 12 दिनों में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक वहां दर्शन कर चुके हैं।